हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है हाउस ऑफ द बास्करविल। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी बताता है, किडनैपर ने फिरौती लेने के लिए मुझे इस खतरनाक जगह पर बुलाया है। अक्सर रात को इस जगह पर जंगली कुत्ते और घातक जानवर आते हैं, इसलिए इस एरिया में बहुत सारे एनिमल ट्रैप्स लगे हुए हैं जिसमें आदमी भी फंस सकता है। दुर्भाग्य से मैंने इस इलाके के इसी खदान के अंदर अपने पैसे छिपाए हुए हैं। दरअसल मुझे बैंक पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मेरे पैसे इसी सेफ के अंदर हैं। इसका पासवर्ड सिर्फ मैं जानता हूँ, साथ ही इसे खोलने के लिए इस चाबी की भी जरूरत पड़ती है। अब पैसे लेकर मैं किडनैपर की बताई हुई जगह पर जा रहा था। दरअसल किडनैपर ने मुझे लेटर में मेरी बेटी के बदले 10 मिलियन येन इस कब्र के ब्लैक डॉग स्टैचू के पास रखने बोला था। तो मैं ये पैसे वहीं रख कर अपनी गन के साथ किडनैपर के आने का वेट करता हूँ। मैं सोच कर आया था कि आज मैं किडनैपर को मार डालूंगा, लेकिन किडनैपर वहाँ पर आया ही नहीं। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। दरअसल ये सारी स्टोरी मिस्टर कैंग वॉटसन को सुना रहे थे। वॉटसन कहता है, क्या आप मुझे किडनैपर का लेटर दिखा सकती हैं? तो कैंग स्क्रीन में किडनैपर का लेटर शो करता है। किडनैपर ने ये लेटर न्यूज़पेपर को काट कर लिखा था। इसमें लिखा था, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें वो सही सलामत चाहिए तो रात के 2 बजे पैसे लेकर सिमेट्री पर अकेले पहुँचो। कैंग कहता है, मेरी बेटी अब सही सलामत घर वापस आ गई है। वॉटसन कहता है, तो क्या आपको फिरौती के पैसे किडनैपर से वापस चाहिए? कैंग कहता है, नहीं, असल में बात ये है कि उस रात किडनैपर पैसे लेने आया ही नहीं, इसलिए मैं अपने घर पैसों के साथ वापस लौट गया। वहाँ मैंने देखा कि किडनैपर ने बगैर पैसे लिए मेरी बेटी को छोड़ दिया था। वॉटसन कहता है, आपकी फैमिली में आपकी बेटी के अलावा और कौन है? कैंग कहता है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा हेनरी। वॉटसन कहता है, फिर किडनैपर ने आपको ही लेटर क्यों लिखा? कैंग कहता है, क्योंकि खदान में रखे सेफ की चाबी पूरी फैमिली में सिर्फ मेरे पास रहती है। इस पहेली को सुलझाने के बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, इवन डाउन पेमेंट भी मैंने रेडी कर रखा है। तभी कैमरा के सामने शर्लॉक आती है। शर्लॉक वो पैसे मिस्टर कैंग को अभी ट्रांसफर करने को बोलता है, तो कैंग ऑनलाइन वो पैसे उनके पास डिपॉजिट कर देता है। वॉटसन कहता है, मुझे आपसे अभी और सवाल पूछनी है। कैंग कहता है, पहले मैं सिर्फ वॉशरूम से आता हूँ। ऐसा कहकर कैंग वॉशरूम में जाने लगता है। इस बीच शर्लॉक वॉटसन से कहता है, तुम इस अमीर आदमी को कैसे जानते हो? वॉटसन कहता है, जब मैं टोक्यो में था तब ये अपने बेटे को मेरी तरह डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने मुझे हेनरी को ट्यूशन देने हायर किया था। इस बीच मैं इनका फैमिली डॉक्टर बन गया। तभी इतने में ही मिस्टर कैंग अचानक से नीचे गिर जाती हैं और वापस नहीं उठती। इसे देख वॉटसन शॉक रह जाता है और कैंग को आवाज लगाने लगता है। तभी उस कमरे में कैंग का बेटा हेनरी आकर कैंग को उठाने की कोशिश करता है। ये सब कैमरे के थ्रू शर्लॉक और वॉटसन देख रहे थे। फिर हेनरी कैमरा के पास आकर कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। अगली सीन में वॉटसन को पुलिस से पता चलता है कि मिस्टर कैंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिस्टर कैंग के मरते टाइम उनसे सिर्फ वॉटसन और शर्लॉक ने बात की थी, इसलिए इंस्पेक्टर किम इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। किम शर्लॉक से कहता है, तुम्हें मिस्टर कैंग ने उनकी बेटी के किडनैपिंग केस के लिए कंसल्ट किया था, क्या ये सच है? शर्लॉक कहता है, मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। किम कहता है, ये इंसिडेंट मिस्टर कैंग के मर्डर से जुड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ वॉटसन दूसरी इंस्पेक्टर को कहता है, अब क्योंकि मिस्टर कैंग मर चुकी हैं तो इसलिए डील भी खत्म हो गई है, हम इनका केस ना लेकर पैसे रिफंड कर देंगे। तभी कमरे में किम आते हुए कहता है, लेकिन शर्लॉक ने तो किडनैपिंग केस को पैसे के बदले हैंडल करने के लिए हाँ कर दिया है। फिर इतने में ही शर्लॉक उस कमरे में आकर कहता है, वॉटसन को उलझाए बिना वो फोटोज दिखाओ। तब किम वॉटसन को कैंग की मरने की बात की कुछ तस्वीरें दिखाता है। तब मरने के बाद कैंग के शरीर से कुछ घाव के निशान मिले थे जो 1 महीने पुराने थे। रिपोर्ट्स में डेथ की वजह रेबीज बताई गई थी, जो बीमारी किसी कुत्ते के काटने से होती है। इसे देख वॉटसन कहता है, जापान में रेबीज का होना लगभग इम्पॉसिबल है। तब किम उन फोटोज को वापस रखकर कहता है, मेरे पास उस जगह जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की कोई परमिशन नहीं, क्योंकि वो एक अलग आइलैंड है, लेकिन तुम दोनों वहाँ कैंग की बेटी के किडनैपिंग केस को सुलझाने के बहाने जा सकते हो। अगले सीन में हमें कासुमी आइलैंड के बारे में बताया जाता है। इसी आइलैंड में कैंग रहता था। कासुमी आइलैंड को किसी वजह से एक कर्स आइलैंड माना जाता था, जिस कारण यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे। इस आइलैंड के बारे में ये वीडियो वॉटसन याच में बैठकर देख रहा था। तभी शर्लॉक पूछता है, कैंग की मौत के बाद उनकी संपत्ति
कंपनी का मालिक कौन होगा, तो वॉटसन अपना जर्नल निकालकर बताता है कैंग की संपत्ति के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उनकी वाइफ को मिलेगा, दूसरा हेनरी को और तीसरा उनकी बेटी सैरा को, जिसे किडनैपर ने किडनैप किया था। शार्लोक कहता है जरूर इस वक्त आइलैंड में ये तीनों मौजूद होंगे। ऐसा कहकर शार्लोक बाहर निकलता है। दरअसल शार्लोक और वॉटसन साथ में कासुमी आइलैंड की तरफ जा रहे थे ताकि इस मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व कर सके। आगे ये दोनों याच से बाहर आकर आइलैंड की तरफ पहुंचती हैं। इधर इन्हें लेने हेनरी अपनी गाड़ी के साथ आया था। फिर इसके बाद हेनरी इन दोनों को अपने घर ले जाने लगता है। तभी गाड़ी में शार्लोक कहता है तुम्हारे डैड का फ्यूनरल था, फिर भी तुम इतने चिल हो, यहाँ तक कि तुमने सुपरमार्केट से शॉपिंग भी की है। हेनरी कहता है दरअसल कुछ दिनों पहले ही मेरा एक जूता गुम हो गया था। शार्लोक कहता है तो तुमने उसके बदले हाइकिंग शूज खरीदी है ताकि खदान में चढ़ने में आसानी हो, और ये शूज तो काफी महंगी है। हेनरी कहता है खदान में जाने का क्या फायदा, हमें डैड की सेफ की चाबी तो मिली नहीं। शार्लोक कहता है आजमा रहे हो या बना रहे हो, वसीयत के अनुसार कैंग की संपत्ति का एक हिस्सा तुम्हारा भी है, इसलिए तुम पर शक करना तो पक्का है, और इस वक्त सेफ की चाबी तुम्हारे राइट पॉकेट में है। इसे सुन हेनरी अपने पॉकेट में हाथ रखता है जिससे चाबी के खनकने की आवाज आती है। हेनरी कहता है दरअसल डैड की वसीयत उसी खदान वाले सेफ में है, और मुझे शक है कि किलर ये चाबी लेकर उस वसीयत को बदलने की कोशिश करेगा, इसलिए ये चाबी मेरे पास रहेगी। शार्लोक कहता है तुम भी तो वसीयत बदल सकती हो। तो इस पर वॉटसन शार्लोक को चुप रहने कहता है। तब हेनरी कहता है आप दोनों को यहाँ बस किडनैपिंग केस के लिए बुलाया गया है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहकर हेनरी उन्हें अपने घर के पास लाता है। फिर घर का सेक्रेटरी घर से बाहर आकर तीनों का वेलकम करता है। अंदर जाने से पहले हेनरी सेक्रेटरी से पूछता है क्या बाबा सान अभी अंदर है, तो इस पर सेक्रेटरी हाँ कहता है। दरअसल बाबा सान इनका गेस्ट था। सेक्रेटरी हेनरी से कहता है हमें आपका खोया हुआ जूता मिल गया है, ये आपका जूता सैरा के डॉगी के घर में था। तो शार्लोक इस जूते को लेकर इसे स्मेल करता है और वॉटसन की तरफ फेंक देता है। तभी इतने में इनका डॉगी वॉटसन की तरफ आकर उस पर हमला करके वो जूता छीन लेता है। इस दौरान डॉगी ने वॉटसन के हाथ में स्क्रैच कर दिया था। आगे शार्लोक घर के अंदर जाता है। इधर घर की मालकिन ईरा वॉटसन से अपने डॉगी की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन ईरा को एक बात बहुत अजीब लगी थी। दरअसल उनके कुत्ते ने आज तक किसी से भी जूते के लिए झपट नहीं की थी। इसे सुन वॉटसन अपने चोट पर पट्टी लगाता है। तभी बाबा सान कहता है आपकी बेटी कब आएगी। ईरा कहती है मुझे नहीं पता। इतने में शार्लोक बाबा सान से कहता है आप इस घर में पिछले 2 घंटे से हैं, क्या एक एसोसिएट प्रोफेसर के पास इतना खाली टाइम होता है। ईरा घबराते हुए कहती है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। बाबा सान कहता है ये मुझे नहीं जानता, दरअसल इसने मेरा सूखा हुआ कप देखकर ऑब्जर्व किया कि मैं यहाँ काफी देर से हूँ। मेरे लेजर पॉइंटर से इसे मेरी इनकम और कोर्ट में लिखे हुए अक्षर से मेरे काम के बारे में पता चला। फिर इसने मेरी एज देखी, मेरी एज और इनकम को मिलाकर इसने अंदाजा लगाया कि मैं एक कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। क्यों मैंने ठीक कहा ना फेमस डिटेक्टिव शार्लोक होम्स। शार्लोक कहता है बहुत खूब, लेकिन मैं कोई बात अंदाजे से नहीं कहता। दरअसल मैंने जब गाड़ी में हेनरी की शॉपिंग लिस्ट देखी तो उसमें उसने नए जूते 2 घंटे पहले परचेस किए थे, और जब हेनरी घर आ रहा था तो उसने तुम्हारे देर तक रुकने की कंप्लेन सेक्रेटरी से की थी। तो इसे सुन बाबा सान अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उस कमरे में मैरी आती है। मैरी रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर थी और किसी काम से ईरा का साइन लेने आई थी। मैरी ईरा से साइन के वक्त उनकी बेटी सैरा के बारे में पूछती है। ईरा कहती है बहुत जल्द हम सैरा की शादी करवा देंगे, जिसके बाद वो यहाँ से फ्री हो जाएगी। तब सेक्रेटरी कहता है मैरी अभी एक कमरा रेनोवेट करना बाकी है। तब मैरी सेक्रेटरी के साथ उस कमरे से बाहर चली जाती है। तभी वॉटसन खिड़की से बाबा सान को देखकर उनके साथ उनका रिलेशन पूछता है। ईरा कहती है बाबा सान मेरे बेटे का एलिमेंट्री स्कूल में ट्यूटर था, अब बाबा सान एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। बाबा सान अक्सर अर्थक्वेक पर रिसर्च करती है। तभी बाहर से बाबा सान सैरा को हाय कहता है, लेकिन सैरा सीधा इग्नोर करके घर चली जाती है। इसके बाद सैरा घर के अंदर आती है। सैरा से ही शार्लोक होम को इन्वेस्टिगेशन करनी थी। आगे सैरा बताती है उस दिन मैं बीच में थी, तभी किसी ने मेरी आंखों में पट्टी बांध कर मुझे किडनैप कर लिया। मैं वहाँ कितनी देर तक थी मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन एक दिन किडनैपर ने मुझे बेहोश कर दिया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी दरवाजे के सामने थी। दरअसल वो मेरा ही घर था। वॉटसन कहता है तुमने किडनैपर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज जरूर सुनी होगी जिससे हम उसके एज और जेंडर का पता कर सकती हैं। सैरा कहती है मुझे उसकी आवाज अच्छे से याद नहीं। हेनरी कहता है क्या हम अभी के लिए इस बारे में बात करना रोक सकती हैं? दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि डैड की डेथ की रिपोर्ट का क्या हुआ।
वॉटसन कहता है, तुम्हारे डैड रेपिस से मरे थे। उनके एंकल में कुत्ते के पंजे का 1 महीने पुराना निशान था। तो हेनरी को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि रेपिस जापान में होना नामुमकिन थी। वॉटसन कहता है, हमें आपके डैड के फोन से ये आखिरी फोटो मिली। जब सभी देखते हैं तो ये फोटो सिमेट्री की थी जहाँ कैंग को किडनैपर ने बुलाया था। इस फोटो में किसी जानवर की लाल आंखें दिख रही थी। सारा कहती है, जब हमारे फादर घर लौट रहे थे तो वो डगमगाते हुए चल रहे थे। जरूर इसी जानवर ने उन्हें काट लिया होगा। इसे सुन मैरी घबराती हुई कहती है, इसका मतलब वो श्राप सच हो गया है। शर्लक होम्स पूछता है, कैसा श्राप? तब सेक्रेटरी बताता है, दरअसल इस आइलैंड में जो सबसे पहला आदमी आया था वो इस आइलैंड का सेमेट्री कीपर बन गया था। उसका मानना था कि इंसानों से पहले किसी कुत्ते की बलि दी जाए तो ये काफी लकी होता है। इसलिए उसने कई काले कुत्ते की बलि दी और सेमेट्री में उन्हें गाड़ दिया। उन कुत्तों की आत्माओं को आज तक मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए उनकी आत्मा उसी कब्रिस्तान में भटकती रहती है। हेनरी कहता है, ये सब अंधविश्वास बातें हैं, मैं इन्हें नहीं मानता। सेक्रेटरी आगे कहता है, कुछ दिनों से कोई हमें इस तरह के लेटर्स सेंड कर रहा है। सेक्रेटरी वो लेटर शर्लक के सामने रखता है। शर्लक खोलकर देखता है तो इस लेटर में लिखा था, अगर तुम डीमन डॉग के श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। इसे देख वॉटसन कहता है, किडनैपर ने भी लेटर इसी तरह के न्यूज़पेपर के टुकड़ों को काटकर लिखा था। मुझे लगता है ये लेटर भी किडनैपर का ही है। शर्लक कहता है, प्लीज मेरे असिस्टेंट की बात मत सुनिए, इसके ऑब्जर्व करने की शक्ति 0 है। किडनैपिंग वाले लेटर में अक्षर अलग है, वही डीमन डॉग वाले लेटर में भी सेम यही डिफरेंस है। आगे बाहर निकलकर वॉटसन दोनों फॉन्ट्स को एक साथ देखता है तो दोनों लेटर्स वाकई अलग थे। अब शर्लक वॉटसन को लेकर खदान के सेमेट्री में जाता है जहाँ फिरौती के पैसे देने के लिए किडनैपर ने कैंग को बुलाया था। वॉटसन कहता है, कोई किडनैपर ऐसे जगह फिरौती लेने क्यों किसी को बुलाएगा? तो शर्लक इसका जवाब न देते हुए एक फोटो को कपड़े से मैच करता है। इससे पता चलता है कि वो श्रापित कुत्ता यानी हाउंड चट्टान की झाड़ियों के पास खड़ा था। वॉटसन आगे कहता है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि किडनैपर ने फिर बगैर पैसे लिए सारा को वापस घर क्यों छोड़ दिया? तभी इतने में ही शर्लक खड़ा होकर ऊपर देख है तो इधर उसी जगह के पास से कोई आदमी इन पर नजर रख रहा था। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शर्लक वॉटसन से कहता है, मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम ये सब अकेले संभाल लेना। वॉटसन कहता है, कैसा काम? ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। शर्लक कहता है, ब्लैक डॉग के श्राप को अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा बोलकर शर्लक भागकर वहां से चला जाता है। मतलब अब वॉटसन को अकेले ही सब संभालना होगा। रात के समय वॉटसन अपने कमरे में था तभी वॉटसन को सारा की आवाज आती है। दरअसल हेनरी का दूसरा जूता भी चोरी हो गया था। तभी सारा वहां आकर हेनरी को धक्का देती है। यहां हेनरी अपने जूते के लिए डॉगी को परेशान कर रहा था। हेनरी सारा से कहता है, तुम हमारे गेस्ट के सामने ज्यादा पोलाइट मत बनो, हम सब जानते हैं कि तुम पहले बार में काम करती थी। इसे सुन सारा गुस्सा होती है, लेकिन इधर इरा उल्टा सारा को ही डांटती है और सारा इसके लिए माफी मांगती है। दरअसल यहाँ हेनरी अपने डैड की वसीयत पढ़ने के लिए खदान के अंदर जाना चाहता था, लेकिन हेनरी का जूता ही गुम हो गया था। तभी वॉटसन जो छिपकर सब सुन रहा था वो सामने आकर पूछता है, आखिर मामला क्या है? हेनरी की मॉम कहती है, मेरा बेटा अपने डैड की वसीयत जानने के लिए पागल है, लेकिन इस वक्त उसका जाना ठीक नहीं। अगले दिन सारा पेंटिंग कर रही थी और वॉटसन उसे छिपकर देख रहा था। तभी सारा का कुत्ता वॉटसन को देख लेता है, जिसके बाद वॉटसन सारा के सामने आता है और सारा की पेंटिंग की तारीफ करने लगता है। फिर सारा वॉटसन से कल रात के लिए माफी मांगती है। वॉटसन कहता है, इतना लड़ाई झगड़ा तो हर परिवार में होता है, लेकिन कल रात से मुझे एक बात खटक रही है। हेनरी ने दरअसल आपको बार में काम करने वाली बोला था। सारा कहती है, हाँ मैं बार में एक होस्टेस थी। मैंने ये जॉब बस एंटरटेनमेंट के लिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। इधर वॉटसन सारा और उसके डॉगी को अच्छे से ट्रीट करता है, जिसे देख सारा को बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में ये चारों डिनर कर रही थी, तभी हेनरी कहता है, मेरा शो आज सुबह मिल गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, खदान के पास शाम तक बहुत सारे लोग आते जाते रहती हैं, इसलिए मैं सीफ का मैप और चाबी लेकर रात को जाऊंगा ताकि किसी को पता न चले, इरा कहती है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं। वॉटसन कहता है, फिक्र मत कीजिए, हेनरी के साथ मैं भी सिमेट्री जाऊंगा। तो इस पर सारा वॉटसन को मना करने लगती है, लेकिन हेनरी कहता है, इसे जाने दो, वैसे भी अभी ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो सारा इस पर स्माइल करती है। फिर रात को हम हेनरी को देखती हैं। हेनरी अकेले ही सिमेट्री आया था और सावधानी से देखते हुए अपना हर एक कदम रख रहा था। तभी खदान के पास पहुँचते ही हेनरी को चट्टान से श्रापित कुत्ते की गुर्राने की आवाज आती है और अचानक से वहां की झाड़ियां हिलने लगती है। इसे देख हेनरी घबरा जाता
जाता है और चाबी से किसी तरह खदान का दरवाजा खोलता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही हेनरी का पाव वहां लगे ट्रैप में फंस जाता है। हेनरी इसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन ट्रैप नहीं खुलती। तभी हम हेनरी के पास किसी को पड़ता हुआ देखते हैं और ये सीन यहीं एंड होता है। अगले दिन ईरा को हेनरी की मौत की खबर मिलती है। इस खबर से ईरा सदमे में चली गई थी। फिर हमें बताया जाता है कि एनिमल ट्रैप हेनरी के फ्लैश में फंस गया था जिस कारण हेनरी वहां से निकल नहीं पाया और ठंड के कारण जमकर वहीं मर गया। क्राइम सीन में पुलिस को हेनरी का बस फोन मिला जिसमें कैंग की तरह ही आखिरी फोटो में श्रापित कुत्ते की दो आंखें दिख रही थी। फिर हम वॉटसन को शर्लोक होम्स से कॉल पर बात करता हुआ देखते हैं। शर्लोक कहता है, तुम कल रात हेनरी के साथ सिमेट्री जाने वाले थे लेकिन पहले तुम्हें नींद से फुर्सत मिली तब तो। वॉटसन कहता है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। शर्लोक कहता है, क्या हेनरी का दूसरा जूता जो गुम हो गया था वो मिल गया? वॉटसन कहता है, हाँ कल रात को ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता? शर्लोक कहता है, हेनरी के पिछले गुमे हुए फटे जूतों से अर्थवॉर्म की स्मेल आ रही थी जिससे कुत्ते अट्रैक्ट होती हैं। दरअसल ये काम किसी शातिर इंसान ने किया था। फिर उसी इंसान ने हेनरी का नया जूता चुरा कर उसमें भी ये स्मेल भर दी और जूता वापस कर दिया। इसी स्मेल के कारण कल श्रापित कुत्ते ने हेनरी को ढूंढ लिया होगा। वॉटसन कहता है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कहाँ हो। तो इसे सुनते ही शर्लोक कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम शर्लोक को एक बार के पास देखती हैं। तभी बार की एक प्रोस्टिट्यूट शर्लोक के पास से गुजरती है। इस प्रोस्टिट्यूट का चेहरा पोस्टर में भी था। शर्लोक कहता है, आयरी चैन, रियल लाइफ में आप पोस्टर से भी ज्यादा हसीन दिखती हैं। आगे शर्लोक और आयरी ड्रिंक कर रही थी। आयरी शर्लोक से अपनी तारीफ सुनकर काफी इम्प्रेस हुई थी। शर्लोक आयरी को सारा का फोटो दिखाता है। इसे देख आयरी कहती है, सारा ने अब से हमारे साथ काम करना छोड़ दिया है। सारा अमीर थी, वो बस यहाँ मजे के लिए काम करती थी। शर्लोक कहता है, क्या सारा से कभी कोई अजीब क्लाइंट मिलने आया था? आयरी कहती है, वैसे तो यहाँ सब अजीब लोग आती हैं, लेकिन एक क्लाइंट सबसे अजीब था। वो सारा का फादर बनना चाहता था। वो क्लाइंट सारा को ये काम छोड़ने की हिदायत भी दे रहा था। शर्लोक कहता है, वो जरूर कोई अमीर आदमी होगा। आयरी कहती है, बिल्कुल नहीं, उसका हुलिया एकदम गंदा था। वो सारा का बटन खोलकर उसे इस तरह से देख रहा था। तो शर्लोक समझ जाता है। शर्लोक थोड़ा आगे जाकर देखता है तो दीवार में इस बार के मालिकों की तस्वीर थी। इस तस्वीर को शर्लोक अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अगले दिन शर्लोक बाबा सान के लैब में जाता है। बाबा सान अर्थक्यूब के बारे में ही रिसर्च कर रहा था। तब शर्लोक बाबा सान से उसके ग्राफ के बारे में पूछता है। तब बाबा सान कहता है, फालतू की बात छोड़कर सीधा मुद्दे पर आओ। शर्लोक कहता है, सारा की किडनैपिंग, कैंग की मौत और आइलैंड छोड़कर जाने का लेटर शायद एक ही धागे से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहकर शर्लोक एक पेपर रखता है। इस पेपर में लिखा था, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है बाबासान? बाबासान कहता है, इंटरेस्टिंग, तो तुम उन लेटर का इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो क्योंकि मैं सारा पर इंटरेस्टेड हूँ? मतलब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था टाइप करने के लिए? तो इसे सुन शर्लोक बाबासान के कमरे का जूता उठाते हुए कहता है, तुम्हारे जूते के कागज का फॉन्ट आइलैंड को छोड़ने वाले धमकी के लेटर से मिलता है। बाबासान कहता है, सिर्फ इसके आधार पर तुम मुझे क्रिमिनल साबित नहीं कर सकती। शर्लोक कहता है, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। फिर हम वॉटसन को देखती हैं। वॉटसन को सारा से प्यार हो गया था। यही बताने वॉटसन जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही उसे सारा न्यूड दिखती है। इसे देख वॉटसन घबरा जाता है। अगले दिन हम शर्लोक को देखती हैं। शर्लोक इस आइलैंड के बंद हो चुके गैरेज पर आता है। इस गैरेज में शर्लोक किस वजह से आया था ये बाद में पता चलेगा। इधर शर्लोक को एक भट्टी दिखती है जिसमें कुछ अभी अभी जलाया गया था। फिर शर्लोक इधर पड़ी गाड़ियों को देखने लगता है। यहाँ की एक ब्लैक कार के टायर की मिट्टी एकदम नर्म थी, इसका मतलब ये गाड़ी इधर अभी खड़ी की गई है। गाड़ी के अंदर मशीनी थी। इतना देखते ही शर्लोक को गैरेज के अंदर से किसी की आवाज आती है। फिर शर्लोक समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक से गैरेज खुलता है और उसमें से जैकी नाम का आदमी बाहर आता है। अब तक यहाँ रात हो गई थी। इधर खड़ी ब्लैक कार जैकी की थी। जैकी उस कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में जैकी की गाड़ी रुक जाती है और तभी सीन कट होकर ईरा के घर पर शिफ्ट होता है। ईरा सेक्रेटरी से कहती है, क्या तुमने हेनरी को खाना दिया? तो इसे सुन सारा और सेक्रेटरी समझ जाती है कि ईरा अभी तक अपने बेटी की मौत एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तभी उस कमरे में वॉटसन आता है। सारा वॉटसन से पूछती है, क्या हेनरी की मौत सच में ठंड से जमकर हुई थी? क्योंकि अभी मुझे खबर मिली है कि हेनरी की मौत भी रेबीज से हुई है, उस श्रापित कुत्ते की काटने की वजह से। तो इस बात को सुनकर ईरा ग्लास तोड़ देती है। फिर सेक्रेटरी कमरे में आकर ईरा को वहां से ले जाता है और उनके जाने के बाद सारा एक कपड़ा लेकर कांच हटाने लगती है। तब वॉटसन भी सारा की इसमें मदद करता है। तभी सारा कहती है, मुझे डर लग रहा है, पहले डैड, फिर हेनरी और अब अगला कौन होगा?
होगा, तो वॉटसन इस पर कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम बाबा सान को देखती हैं। शर्लक बाबा सान को तब से स्टॉक कर रहा था। बाबा सान कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? शर्लक कहता है, तुम ही वो इंसान हो जिसने ये लेटर लिखा था कि अगर तुम्हें ब्लैक टॉक से शापित नहीं होना तो इस आइलैंड से चले जाओ। दरअसल ये लेटर तुमने और किसी के लिए नहीं बल्कि सैरा के लिए लिखा था, क्योंकि तुम्हें सैरा पर क्रश है। बाबा सान कहता है, तुम्हारे पास यही सबूत है? तो शर्लक बाबा सान को उसके सेविंग ग्लोब की फोटो दिखाता है। दरअसल जब शर्लक कमरे में इस सेविंग ग्लोब को देख रहा था, तब बाबा सान थोड़ा परेशान हो गया था। शर्लक कहता है, उस सेविंग ग्लोब से सिक्कों के अलावा किसी और की भी आवाज आ रही थी। दरअसल कुछ दिनों बाद सैरा के घर पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। ये बात तुमने सैरा की फैमिली को बता रखी है, लेकिन कोई तुम पर यकीन नहीं कर रहा, इसलिए तुमने ये लेटर लिखा ताकि कम से कम वे लोग डर कर यहाँ से अपने टोक्यो वाले घर में चले जाए। दरअसल तुम्हारे उस सेविंग ग्लोब में सिक्कों के साथ उस लेटर के न्यूज़पेपर वाले बचे हुए टुकड़े भी थे। उन बचे हुए टुकड़ों को दिखाकर तुम सैरा को बताते कि वो लेटर्स तुमने लिखे थे ताकि वे लोग अर्थक्वेक से बच सके, जिससे सैरा तुम्हारे और करीब आ जाती। तब बाबा सान शर्लक की बातों पर एग्री करता है। मैं डर गया था कहीं पुलिस को ये ना लगे कि किडनैपिंग का लेटर भी मैंने लिखा था। शर्लक कहता है, पापा सान अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर सीन वॉटसन पर शिफ्ट होता है। शर्लक वॉटसन को कॉल करके सिमेट्री के पास वाले खदान में आज रात पहुंचने कहता है। आगे रात का समय हो जाता है। इधर सेक्रेटरी वॉटसन से कहता है, खदान के अंदर जाने से पहले आप जरा मेरे कमरे में आए। तो वॉटसन सेक्रेटरी के कमरे पर जाता है। यहाँ सेक्रेटरी चाकू की धार को पैना करके वॉटसन को देता है ताकि वॉटसन अपनी रक्षा कर सके। तभी वॉटसन को कमरे में सेक्रेटरी की ड्राइंग दिखती है, तो सेक्रेटरी इसे देख स्माइल करता है। और तभी सीन कट होकर सैरा पर आता है। सैरा वॉटसन से कहती है, अगर तुम्हें वहां जाकर कुछ हो गया तो? वॉटसन कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर वॉटसन सैरा से चाबी ले लेता है और फिर सैरा के डॉग को आवाज लगाता है। तब सैरा का डॉग भी वॉटसन के साथ चला जाता है। फिर वॉटसन डॉग के साथ उस खदान की तरफ पहुंचता है। यहाँ वॉटसन जब खदान का ताला खोल रहा था, तभी वॉटसन को किसी चीज की आवाज आती है। इसे सुन वॉटसन खदान के अंदर भागता है, लेकिन वॉटसन पर लाल आंखों वाला ब्लैक डॉग हमला कर देता है। इसे देख वॉटसन बहुत घबरा गया था। तभी वॉटसन उस डॉग के अंदर किसी आदमी को देखता है। असल में यहाँ डॉग की ड्रेस में शर्लक होम्स था। अब शर्लक खदान की दूसरी तरफ जाकर वहाँ की लाइट्स ऑन करता है। तभी उस कमरे में जैकी आता है। दरअसल इधर कोई हाउंड यानी ब्लैक डॉग नहीं था, बल्कि जैकी एक ड्रोन के ऊपर रेड लाइट लगाकर उसे लोगों को डराता था। शर्लक वॉटसन से कहता है, ये काम किसी एक का नहीं बल्कि दो लोगों की जोड़ी का है। तभी उस खदान में असली किलर मैरी और उसका हस्बैंड ब्रूस आती हैं। मैरी ईरा के घर की रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर थी। शर्लक कहता है, ये मर्डर्स मैरी और ब्रूस ने जैकी के साथ मिलकर किए थे, क्योंकि जैकी दरअसल इनका नेफ्यू है। जब जैकी खदान की तरफ जा रहा था, तब मैं जैकी की गाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। मैं जैकी के गैजेट्स को देखकर समझ गया था कि नकली हाउंड तैयार करना उसी का काम है। दरअसल जो आदमी हमें उस झाड़ियों से देख रहा था, वो जैकी ही था। थोड़ा जोर देने पर जैकी ने बताया कि ये काम उससे मैरी और ब्रूस करवा रही थी। मैरी और ब्रूस ने जैकी को ऐसा समझा रखा था कि वो भी कैंग की वसीयत का वारिस है, जो देखा जाए तो सच है। वॉटसन कहता है, लेकिन कैंग और हेनरी को मार कर भी इन्हें कौन सी जायदाद मिलने वाली थी? शर्लक कहता है, इसका जवाब हमें वसीयत देखने से पता चलेगा। फिर शर्लक चाबी से सेफ को खोलता है। सेफ में बहुत सारे पैसे थे और नीचे छोटी तिजोरी में एक वसीयत रखी हुई थी। शर्लक सबके सामने कैंग की वसीयत पढ़ता है। वसीयत में लिखा था, मेरी गुजर जाने के बाद मेरी जमीन और रियल स्टेट का सारा पैसा मेरी वाइफ ईरा और हेनरी को इक्वली बांटा जाए, वहीं बाकी एसेट्स यूनिसेफ में डोनेट किए जाएं। इसका मतलब सैरा को कुछ नहीं मिलने वाला था। वॉटसन कहता है, आखिर जायदाद में सैरा का हिस्सा क्यों नहीं है? शर्लक कहता है, इसके पीछे एक पुरानी किडनैपिंग केस की कहानी है। दरअसल जब मैं पब में पब के मालिकों की फोटो देख रहा था, तो उनके साइड में एक छोटी बच्ची का मिसिंग पोस्टर था। वो बच्ची साल 2006 से लापता थी। इस बारे में मैंने वहाँ के ऑफिसर से पता किया। तब उन्होंने मुझे इस केस की फाइल दिखाई और बताया कि वो गुमशुदा बच्ची फालकुरु कंस्ट्रक्शंस के ओनर की थी। मुझे ढूंढने पर पता चला कि उस कंस्ट्रक्शन के ओनर आप दोनों ही थे। जब मैं आपके कंस्ट्रक्शन गैरेज में गया, तो वहाँ रबर में मिट्टी छिड़कने पर मुझे आपका लोगो साफ दिखने लगा। इसके बाद मैंने किडनैपिंग वाले लेटर
का डीएनए टेस्ट करवाया। दरअसल इसमें आपका सलाइवा गिर गया था। इससे मुझे पता चला कि लेटर भेजने वाले सैरा के बायोलॉजिकल पेरेंट्स लगती हैं। वॉटसन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? शर्लोक कहता है, जी हाँ, असल में सैरा कैंग की बेटी नहीं थी। तब ब्रूस इस बात को एक्सेप्ट करके अपनी कहानी बताते हुए कहता है, तकरीबन 20 साल पहले जब सैरा 6 महीने की थी तब हम उसके साथ थे। इधर मैरी शॉपिंग करने आई थी, इसलिए मैरी मुझे सैरा का ख्याल रखने का कहकर मार्केट चली गई, लेकिन उस दिन थकान के कारण मैं वहीं सो गया। फिर जब मैरी शॉपिंग से वापस लौटी तब मैरी ने घबराते हुए मुझे नींद से जगाया और मैंने जागते ही देखा कि सैरा अपने चेयर से गायब थी। इसे देख हम दोनों परेशान हो गए। हमने सैरा को आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सैरा कहीं नहीं मिली। इसी तरह सुबह से रात हो गई। फिर मैंने इसकी कंप्लेंट पुलिस को की लेकिन पुलिस 2 हफ्ते से कुछ नहीं ढूंढ पाई, इसलिए मैंने पुलिस को जलील करके वहां से भगा दिया और इसके बाद ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया। मुझे अब पता चल गया था कि सैरा अब हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। तभी मेरी वाइफ को कुछ याद आया। असल में सैरा की बॉडी पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था। इसके बाद हमने सैरा के लिए मिसिंग पैम्पलेट्स तैयार किए और कई सालों तक सभी को वो मिसिंग पैम्पलेट्स बांटे ताकि जिसको भी पता चले वो हमें इन्फॉर्म कर सके, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा करते हुए हमें 11 साल बीत गए थे और हमें पता था कि सैरा की बॉडी बदल चुकी होगी, लेकिन सैरा का बर्थ मार्क अभी हमारे लिए एक आशा थी। तब वॉटसन को याद आता है कि जब वो सैरा के रूम में गया था तो सैरा की बॉडी में इसी तरह का बर्थ मार्क था। वॉटसन कहता है, पर आपने सैरा को कैसे ढूंढा? मैरी कहती है, इंसानों का शरीर भले ही बदल जाए लेकिन इंसान की आंख का साइज और कलर हमेशा सेम रहता है। असल में एक दिन जब मैं वॉशरूम गई तो वहाँ पहले से ही सैरा मौजूद थी। हम दोनों की वहाँ थोड़ी सी बातचीत हुई जिसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने ऐसी आंखें कहीं तो देखी हैं। मैंने एक बार फिर से सैरा की आंखों में झांका और मैं समझ गई कि ये हमारी ही बेटी है। फिर मैं जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकली और अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया। आगे हम दोनों ने मिलकर सैरा का काफी देर तक पीछा किया। तब हमें सैरा एक बार में जाती दिखी। ब्रूस को सैरा का बर्थ मार्क कंफर्म करना था, इसलिए उसी दिन ब्रूस सैरा का क्लाइंट बनकर गया। इस बीच ब्रूस ने सैरा को अपनी बेटी बनाने की भी बात की लेकिन सैरा इसे मजाक में ले रही थी। फिर ब्रूस ने कपड़े हटाकर सैरा का बर्थ मार्क देखने की कोशिश की, पर फादर होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सके। फिर हमने सैरा का पीछा करके उसके घर का पता किया लेकिन अभी हमें कन्फर्म नहीं था कि वो हमारी बेटी है या नहीं, इसलिए कन्फर्म करने के लिए मुझे किसी तरह सैरा के घर पहुँचना था। इसके अगले ही दिन मैं सैरा के घर रेनोवेट कॉन्ट्रैक्टर बन कर गई और फाइनली मुझे वहाँ काम मिल गया। अब क्योंकि मैडम ईरा का घर बहुत बड़ा था इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि रेनोवेटिंग में बहुत टाइम लगेगा। रूम रेनोवेट करने के दौरान एक दिन मुझे कमरे में सैरा का टूथब्रश मिल गया। आगे हमने उस टूथब्रश का डीएनए टेस्ट करवाया जिससे हमें ये कन्फर्म हो गया कि सैरा हमारी ही बेटी है। इसे देख हम दोनों बहुत खुश हुए। एक दिन मैंने सैरा से बात करके उसे अपने घर बुलाया। घर में मैंने सैरा को एक फाइल दिखाई। सैरा ने देखा कि उस फाइल में एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट थी जिसके पीठ में मार्क बना हुआ था। सैरा तुरंत समझ गई कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि वही है। इसके बाद हम सैरा को उस कमरे में ले गए जहां उसके बचपन की सारी चीजें थी। इससे सैरा समझ गई कि हम ही उसके रियल पेरेंट्स हैं। शर्लोक कहता है, बहुत खूब, लेकिन इसके आगे की अहम स्टोरी मैं सुनाता हूं। इसके बाद आप दोनों ने न्यूज़पेपर को काट कर किडनैपिंग वाले धमकी भरे लेटर्स तैयार किए। उस लेटर के न्यूज़पेपर का एक फ्रंट मुझे आपकी फैक्ट्री के भट्टी से मिला था। फिर लेटर मिलने के बाद मिस्टर कैंग अकेले सिमेट्री के पास पहुंचे। यहां कैंग पैसे देने के लिए नहीं बल्कि तुम दोनों को मारने आए थे, लेकिन तभी कैंग का पैर ट्रैप में फंस गया। दरअसल जब मैं स्टैचू के पास गया था तो वहां मैंने एक ट्रैप को पूरी तरह से बंद देखा था जो मेरे इस शक को पक्का करती है, लेकिन मिस्टर कैंग उस रात किसी तरह से ट्रैप से बाहर आ गए। अगर तुम दोनों उसी वक्त कैंग को अपने हाथों से मार डालते तो तुम्हें पकड़ लिया जाता, इसलिए तुम दोनों ने कैंग को रेबी से मारने का प्लान बनाया और ड्रोन से हाउंड्स के होने की अफवाह फैला दी। इस दौरान सैरा अपने घर आ गई। सैरा घर इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसे किडनैपर ने छोड़ दिया था। सैरा घर इसलिए आई थी ताकि कैंग के मर्डर को अंजाम दे सके। दरअसल सैरा ने अपने कमरे में सीक्रेटली रेबीज का केमिकल छिपा रखा था। इस केमिकल की एक बूंद सैरा ने कैंग के दवाई में मिला दी थी। वहीं इस दौरान कैंग भी घर वापस आ गई थी। कैंग का एक पैर ट्रैप में फंसने के कारण थोड़ा टूट गया था और वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। फिर कैंग अपनी दवाई उठाकर अपने कमरे में चले गए। मतलब इस प्लान की असली मास्टरमाइंड सैरा थी। तो इसे सुन वॉटसन के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। वॉटसन कहता है, सैरा को वो केमिकल कहाँ से मिला? शर्लोक बताता है, डार्टमोर से। डार्टमोर एक डार्क वेब है जहाँ से कोई भी एक्सेस करके इलीगल आइटम्स अपने घर तक मंगवा सकता है।
मिस्टर एंड मिसेस मैरी, वहीं से रिबिस का ये नया डब्बा भी ऑर्डर करवाया था, पर क्योंकि हेनरी रिबिस के डर से पहले ही वैक्सीनेशन लगवा चुका था इसलिए उसे रिबिस का कोई खतरा नहीं था। ये जानने के बाद इन लोगों ने हेनरी को ठंड में फ्रीज करके मारने का प्लान बनाया। उस रात हेनरी के खदान में आते ही उसका पैर ट्रैप में फंस गया। सारा ने हेनरी के जूते पर अर्थवर्म की स्मेल इसलिए लगाई थी ताकि सारा का कुत्ता हेनरी के जूते को काटता रहे, जिससे सारा हेनरी को अंधेरे में आसानी से ढूंढ पाए। सारा ने वहां पहुंचते ही टॉर्च से झाड़ियों के पास इशारा किया। इस दौरान हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। फिर सिग्नल समझकर सारा के पेरेंट्स ने ड्रोन को ऑन कर दिया और फिर सारा ने हेनरी के फोन से उस ड्रोन की पिक ली ताकि सभी को ऐसा लगे कि हेनरी हाउंड के श्राप में मारा गया। फिर ये तीनों वहां से चले गए और उस रात हेनरी ठंड से जमकर वहीं मर गया। ये सारा प्लान सारा ने बनाया था और ये प्लान तब पूरा होगा जब सारा अपनी आखिरी शिकार यानी कि अपनी मॉम इरा को मार डालेगी। इसे सुन मैरी और ब्रूस सारा को एक और मर्डर करने से रोकने जाती हैं। तभी वॉटसन कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं सारा को सुलाकर आया हूँ। यहाँ आने से पहले जब शर्लोक ने मुझे कॉल किया था तो उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं नींद की दवाई सारा की कॉफी में मिला दूं। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे शर्लोक का क्या इरादा है। तभी मैंने शर्लोक का काम कर दिया और अब सारा अगले 4 घंटे तक सोई रहेगी। शर्लोक कहता है, अगर वॉटसन सारा को नहीं सुलाता तो सारा सेक्रेटरी को डिस्ट्रैक्ट करके अपनी मॉम को मार डालती और फिर सेक्रेटरी को हाउंड की आंखें दिखाती, जिससे सेक्रेटरी को हाउंड के श्राप का यकीन हो जाता और कोई उन पर शक नहीं करता। मैरी कहती है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं। तो इसे सुन शर्लोक जैकी की तरफ देखता है। जैकी कहता है, मेरा ड्रोन जो कुछ भी देखता है उसकी रिकॉर्डिंग इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसे देख ये दोनों शॉक में रह जाती हैं। मैरी कहती है, ये सब हमारी गलती थी, प्लीज सारा को इसमें मत घसीटो, हम उसके पेरेंट्स हैं, हमें सजा दो। वॉटसन कहता है, आप दोनों पेरेंट्स का असली मतलब भी जानती हो। सारा का अगर किसी ने पेरेंट्स की तरह ख्याल रखा है तो वो सिर्फ सेक्रेटरी है, जिसे सारा अपना फादर भी मानती है। शर्लोक कहता है, क्या सारा ने तुम्हें ये सब बताया? वॉटसन कहता है, नहीं, दरअसल मैंने सेक्रेटरी के कमरे में एक ड्राइंग देखी थी। उस ड्राइंग में सेक्रेटरी की तस्वीर थी। वहाँ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा, ये ड्राइंग 7 साल की उम्र में मुझे सारा ने फादर्स डे पर गिफ्ट किया था। सारा मुझे अपने फादर की तरह मानती है। तो इसे सुन शर्लोक हैरान होते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहीं वॉटसन भी शर्लोक का भागते हुए पीछा करता है। आगे ये दोनों घर पहुँचती हैं। वॉटसन देखता है कि सारा अभी भी बिस्तर में सोई हुई थी। दूसरी तरफ शर्लोक सेक्रेटरी के कमरे में पहुँचता है, लेकिन शर्लोक लेट हो गया था। दरअसल सेक्रेटरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसे देखकर शर्लोक जमीन में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते ही शर्लोक को मेज में सेक्रेटरी का एक लेटर दिखता है। इसमें सेक्रेटरी ने लिखा था, आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूँ जो मैंने 20 सालों से किसी को नहीं बताया। दरअसल 20 साल पहले मुझे पहली बार इस घर का नया सेक्रेटरी हायर किया गया था, क्योंकि मास्टर पिछले लंबे समय से बिजनेस ट्रिप में गए हुई थी, इसलिए उनकी इकलौती बच्ची का ख्याल मैडम अकेले रखती थी। फिर एक रात जब मैडम सो रही थी तो उस दौरान उनकी बेटी वॉशरूम में थी। जब मैडम सोकर उठी तो उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। उन्हें ढूंढते हुए मैडम बाथरूम गई और वहां उन्होंने उनकी बेटी को डूबते हुए देखा। फिर मैडम और मैं उनकी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। उस वक्त तक बहुत देरी हो चुकी थी और मैडम की बेटी गाड़ी में ही मर गई थी। इस सिचुएशन को देखकर मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। इधर मैडम को डर था कि मास्टर जब बिजनेस ट्रिप से लौटेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए मैडम बाहर गई। वहां एक बेंच में कोई आदमी सो रहा था। मैडम ने उसका बच्चा चुरा लिया और गाड़ी के पास आ गई। अब सेक्रेटरी होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उनका हमेशा साथ दूं, इसलिए मैं उस नए बच्चे के साथ वहां से निकल गया। इसके बाद मैंने मैडम के असली बच्ची को जमीन में दफना दिया, लेकिन अगले साल ही मैडम का दूसरा बच्चा हेनरी हुआ। हेनरी के चक्कर में मैडम सारा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। कुछ सालों बाद हर छोटी छोटी बात पर मैडम ने सारा को ब्लेम करना शुरू कर दिया ताकि उनका बेटा हेनरी खुश हो सके। एक दिन तो मैडम ने सारा को कबर्ड में बंद कर दिया था। तब उस रात मैंने मैडम से बात की और कहा कि सारा भी किसी की बच्ची है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन सारा मेरी कुछ नहीं लगती। जब हम इस बारे में बात कर रही थी तो मास्टर ने हमारी बातें ली थी। मास्टर समझ गए थे कि सारा वही गुमशुदा लड़की है जिसकी फोटो पैम्पलेट्स में थी। इसके बाद मास्टर भी हेनरी पर ज्यादा प्यार बरसाने लगे। वहीं सारा को घर में बिल्कुल किसी अनाज जैसा ट्रीट किया जाने लगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं सारा का ख्याल रखूंगा। फिर सारा जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे हमारा रिलेशन और अच्छा होता गया और आखिरकार मैंने एक दिन सारा को सब सच्चाई बता दी, जिसे सुन सारा अपनी ही फैमिली की खून की प्यासी हो गई। मैं मैडम की मौत का जिम्मेदार सारा को नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए
इसलिए मैं मैडम का गला दबाकर मारने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि गला दबाते ही ईरा जाग जाती है, लेकिन ईरा खुद ही अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो सेक्रेटरी के हाथों को खुद को मारने से नहीं रोकती। फिर मर्डर करने के बाद सेक्रेटरी भी खुद को फांसी लगा लेता है। आगे सीन प्रेजेंट की सारा पर आता है जो सो रही थी। वहीं इधर सारा के कमरे में शर्लोक, वॉटसन और सारा के पेरेंट्स थे। शर्लोक कहता है मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा, वही सब फैसला करेंगे। मैरी कहती है सारा के उठने तक पुलिस को मत बुलाइए, हम सारा को थोड़ी देर तक और देखना चाहती हैं। तो शर्लोक इस पर मान जाता है। आगे शर्लोक और वॉटसन कैंग के घर से अपना सामान लेकर बाहर जाती हैं। इधर इन्हें लेने के लिए जैकी अपनी गाड़ी लाया था। अब शर्लोक और वॉटसन गाड़ी में बैठती हैं। तभी वहाँ पर बाबा सान आता है। वॉटसन बाबा सान को रोकते हुए कहता है तुम मैरी को स्टॉक कर रही थी। बाबा सान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो शर्लोक कहता है तुम जा सकती हो। तो बाबा सान मैरी के घर चला जाता है। वॉटसन कहता है इसने ही वो धमकी भरे लेटर्स लिखे थे ना। शर्लोक कहता है वो धमकी के लेटर्स नहीं बल्कि लव लेटर्स थे। वे जैसे ही बाबा सान मैरी के दरवाजे तक पहुंचता है वैसे ही सबके फोन का अलार्म बजने लगता है। दरअसल यहाँ अर्थक्वेक आने वाला था। बाबा सान देखता है कि अर्थक्वेक तेजी से सारा के घर की तरफ बढ़ रहा था। इसे देख वॉटसन बाबा सान को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन बाबा सान गाड़ी में जाने की जगह सारा के घर का अलार्म रिंग करने लगता है ताकि उसे इससे बचा सके। तभी अचानक से गाड़ी वहाँ से दूर जाने लगती है। वॉटसन जैकी पर चिल्लाते हुए कहता है गाड़ी रोको, लेकिन जैकी गाड़ी नहीं रोकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थक्वेक से सारा का घर टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैरी और ब्रूस सारा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे थे। तभी सारा को होश आ जाता है और फिर ये फैमिली एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाकर वहीं घर के टूटने से मर जाती है। और तभी अचानक से अर्थक्वेक थम जाता है। इसके बाद जैकी गाड़ी रोकता है। इधर वॉटसन को सारा और उसके फैमिली के मरने का बहुत गम था। शर्लोक कहता है कम से कम जिंदगी के अंत में सारा अपनी रियल फैमिली के साथ थी। सारा ने खुद बुराई का रास्ता चुनकर अपना अंत तय किया था। ऐसा कहकर शर्लोक चला जाता है और तभी ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।